हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। सो इस वीडियो विच आप पीएस सेट 2018 दे मैथ्स दी कंप्लीट वीडियो करांगे। पहले वीडियो विच आप एक तो 15 तक क्वेश्चन डिस्कस किए थे, नेक्स्ट 15 क्वेश्चन आप इस वीडियो विच डिस्कस करांगे। सो स्टार्ट कर दें। जीरो इज अ डैश नंबर, जीरो इज अ डैश नंबर, रैशनल, नेचुरल, इरैशनल, नॉन रियल। सो नंबर्स बेसिकली अपने को टू टाइप्स के हैं। फर्स्ट इज रियल नंबर, देन वी हैव नॉन रियल और इमेजिनरी नंबर। रियल दे विच आंदे अपने को रैशनल नंबर एंड इरैशनल नंबर। रैशनल विच फर्दर आंदे है नैचुरल, होल नंबर ते इंटीजर्स। नैचुरल नंबर जेडे 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, होल नंबर 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। इंटीजर्स होंदे नेगेटिव नंबर 0 ते 1, 2, 3। इरैशनल होंदे आ जिवें कि अंडररूट वाले, अंडररूट 2, अंडररूट 3, इस तरीके नाल। ते नॉन रियल होंदे आयोटा वाले। सो जीरो केड़ा नंबर है? सो जीरो ना तो नैचुरल नंबर है, क्योंकि नैचुरल नंबर 1 तो स्टार्ट होंगे, ना ही नॉन रियल है, आयोटा वाला भी नहीं है, इरैशनल भी नहीं है। सो केड़ा नंबर है? रैशनल नंबर। सो जीरो रैशनल नंबर क्यों है? क्योंकि रैशनल नंबर केड़ी फॉर्म दे विच होंदे अपने कोल? पी बाय क्यू फॉर्म दे विच। सो सारे ही नैचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सारे ही अपने कोल केड़े नंबर होंदे है? रैशनल नंबर होंदे है। सो होल नंबर दे विच 0 आ गया, इंटीजर्स दे 0 आ गया, 0 ऑब्वियसली की होएगा अपने कोल? रैशनल नंबर होएगा। 0/1 इन लिख सकते अगर पी बाय क्यू तो भी क्यों होएगा? 0 ही होएगा ना। सो इस तरीके नाल 0 अपने कोल केड़ा नंबर कहलाएगा? रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/4a² + 4a² इज इक्वल टू 2, देन फाइंड दिस वैल्यू ऑफ दिस। ओके, सो इन लिए की करना पड़ेगा 1/2a - 1/2a का आप की करांगे स्क्वायर, सॉरी वन बाय टू ए माइनस टू ए का की करांगे आप स्क्वायर कर लांगे। सो इन स्क्वायर कर लो, इन स्क्वायर क्या आएगा? a - b² a² + b² - 2ab। सो 1/2a का स्क्वायर मतलब 1/4a² + 4a² - 2। सो 1/4a² + 4a² कितना हो जाएगा अपने को? 2 - 2 करांगे तो अपने को आंसर कितना आ जाएगा? 0। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 0। सो जो इन आप फॉर्मूला यूज किया वह अपने को a - b² दैट इज a² + b² - 2ab। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु शोड दैट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई लाइज बिटवीन 220/70 एंड 223/71। किन्ने क्या सीगा कि पाई दी वैल्यू, पाई की होंगे अपने को 22/7 और 3.14, इन दी वैल्यू लाई कर दी है इन दो वैल्यूज़ दे विच। सो ये तुहानू लर्न रखना पैना है, ये आपनू क्या गया सीगा बाय आर्कमिडीज। सो आर्कमिडीज ने ये आपनू क्या सीगा कि पाई दी वैल्यू 220/70 ते 223/71 दे विच लाई कर दी है। द मीन ऑफ फर्स्ट फाइव नंबर इज, फर्स्ट फाइव नंबर का मीन कितना होएगा? 2.5, 5.2, 3, 5.6। सो फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स, फर्स्ट फाइव प्राइम नंबर्स केड़े होंगे अपने को? 2, 3, 5, 7 एंड 11। इन्हों का मीन फाइंड करना, इन्हों ऐड कर दो एंड इन्हों 5 नाल की कर दो डिवाइड कर दो। 10, 17, 11।
5 5 25.6, सो आंसर किन्ना आ जाएगा 5.6। सो मेनली की करना होंगे सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ऑफ द रैशनल नंबर इज अ सबसेट ऑफ। रैशनल नंबर किन दा सबसेट है, जिवें कि मैं तुहानूं पहले दस्या कि नंबरस एक हुंदे आ रियल, एक की हुंदे आ अपने कोल नॉन रियल। रियल नंबर फर्दर डिवाइडेड है रैशनल एंड इरैशनल, तो रैशनल फर्दर डिवाइडेड है नैचुरल, होल एंड इंटीजर्स। सो अगर मैं समझाव रैशनल नंबर किंदा पार्ट है रियल नंबर, सो रैशनल नंबर फिर किंदा सबसेट होया रियल नंबर का, सो आंसर इज रियल नंबर्स। एंड नैचुरल नंबर किंदा सबसेट है होल नंबर्स का, होल नंबर्स किंदा सबसेट है इंटीजर्स का, इंटीजर्स किंदा सबसेट है रैशनल नंबर्स का, रैशनल नंबर किंदा सबसेट है रियल नंबर्स का। सो इस तरीके ने तुसी इन्हां नू याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7 द क्यूब रूट मल्टीप्लाई 49 द क्यूब रूट इज इक्वल टू। सो 7 द क्यूब रूट नू आपां लिखांगे 7 दी पावर 1/3, 49 द क्यूब रूट मतलब 7 द स्क्वायर द पावर 1/3, 7 द पावर 1/3, 7 द पावर 2/3, जो आप कंबाइन करांगे 7 द पावर आ जाएगी 7 द पावर 3/3, मतलब 7 द पावर 1। सो आंसर कितना आ जाएगा 7। सो इन आंसर क्या आ जाएगा अपने को ऑप्शन नंबर सी। सो इस तरीके ना तुसी इजीली इन्हें सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज। सो इन्हों समझन तो पहला तुसी नोट डाउन कर लो कि 1 + 2 + 3 + up to so on एंड टर्म्स हम दिती है, इन्हों दा सम की हुंदा अपने को, इन्हों दा सम होएगा अपने को एन एन प्लस 1/2। एंड जो तुसी इन्हों दा मीन कढ़ना है, मीन की होएगा अपने को सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन। सो अगर आप सम कि एन एन प्लस 1/2, उन्होंने अगर आप एन ना डिवाइड करांगे सो एन ना एन कैंसल हो जाएगा तो अपने को मीन कि आ जाएगा एन प्लस 1/2। सो याद रखना इन का मीन कि होंगे एन प्लस 1/2, सम कि होंगे एन एन प्लस 1/2। चलो हूँ आप गल करते हैं 1² + 2² + 3² + up to so on एन स्क्वायर की। सो इनका सम कि होंगे अपने को, इनका सम होंगे एन एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6, तो इनका मीन होंगे अपने को एन प्लस 1 टू एन प्लस 1 अपॉन 6। सो ये तुसी याद रख लेना। सो इन आंसर आ जाएगा अपने को ऑप्शन नंबर सी। एंड अगर तुहाडे कोल आ जाए 1³ + 2³ + up to so on एन क्यूब, सो इन दा फॉर्मूला होंदा अपने को एन एन प्लस 1/2 द होल स्क्वायर। सो ये तीन फॉर्मूले तुसी याद रख लेने हैं। एंड जे तुहानू पूछ लैन मीन तो एन नाल डिवाइड कर देना, सो इन दा मीन आ जाएगा एन एन प्लस 1 द स्क्वायर बाय 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी 4-digit नंबर्स आर देयर इन अ हिंदू अरेबिक न्यूमरेशन सिस्टम। हूँ देखो 4-digit नंबर जोड़े होंगे है उस चार्ट होंगे 1000 तो एंड एंड होंगे अपने को 9999 ते। सो तुसी याद रखना जो भी तुहाडे कोल एवें नंबर पुछे जाण कि किन्ने होणगे
ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ 1। ਸੋ ਦੀ ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 9999, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 1000 ਅਤੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਦੇਣਾ 1। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 8999 ਪਲੱਸ 1 ਦੈਟ ਇਜ਼ 9000 ਇਜ਼ ਯੋਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਅਪਰ ਲਿਮਿਟ ਮਾਈਨਸ ਲੋਅਰ ਲਿਮਿਟ ਪਲੱਸ 1। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਇਨ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 4 ਇਨ 4 0। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ 625/256 ਦੀ ਪਾਵਰ -3/4। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਰ ਮਾਈਨਸ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰੈਸੀਪ੍ਰੋਕਲ ਲੈ ਲਓ, 256/625 ਦੀ ਪਾਵਰ 3/4। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਫੋਰਥ ਪਾਵਰ ਲੈਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਵਰ 4 ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ 4, ਐਂਡ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5 ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਸੋ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ 3/4। ਇਹ 4 ਅਤੇ ਆਹ 4 ਕੀ ਹੋ ਗਏ ਕੈਂਸਲ, 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆ ਜਾਏਗਾ 4/5 ਦਾ ਕਿਊਬ, 4 ਦਾ ਕਿਊਬ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 64 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ 125। ਸੋ ਆਂਸਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਬੀ 64/125। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਹੈ x^6 - y^6। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, x^2 - y^2। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦਾਂਗੇ a³ - b³ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ a² + ab + b². ਸੋ ਏ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ x², ਬੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ y². ਸੋ x² - y² x² ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਮਤਲਬ x^4 ਪਲੱਸ x² y² ਪਲੱਸ y^4। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਯੂਅਰ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ।